कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में जिला अस्पताल में पिंक अलार्म सिस्टम पर मॉक ड्रिल किया गया। जिला अस्पताल में पदस्थ महिला कर्मचारियों और महिला नर्सिंग ऑफिसर द्वारा कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के महिला सुरक्षा को लेकर दिए गए नवाचार के लिए किया गया धन्यवाद व्यक्त किया गया। संदीप कुमार माकिन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नवाचार से जिला अस्पताल में पदस्थ कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम से खुशी है और महिला मेडिकल स्टाफ में भी खुशी का माहौल देखा गया। सोमवार देर शाम को दतिया जिला अस्पताल में कलेक्टर संदीप कुमार माकिन और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा की मौजूदगी में पिंक अलार्म सिस्टम का मॉक ड्रिल किया गया। दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने कहा कि महिला सुरक्षा का विषय आज के समय में एक बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि विगत दिवस कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ हुए हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की और इस विषय को गंभीरता से लेने के साथ निर्देश दिए थे। इसी के चलते दतिया जिले में पिंक अलार्म सायरन सिस्टम जैसे नवाचार को शुरू किया गया है। उन्होंने सभी मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर ये उनकी दूसरी बैठक है। पहली बैठक में उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ से उनके समस्याएं और सुझाव पर चर्चा की, जिसके उपरांत लाइट संबंधी सफाई संबंधी समस्याओं को हल किया गया था। उन्होंने कहा कि पिंक अलार्म सिस्टम जैसा नवाचार देश में महिला सुरक्षा को लेकर पहला प्रयास है। कलेक्टर संदीप कुमार माकी ने मॉकड्रिल के दौरान उपस्थित सभी महिला कर्मचारियों से कहा कि वे अब खुद को सशक्त महसूस करें, बिना डरे सिस्टम का प्रयोग करें। उन्होंने वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स को कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि यदि पैनिक बटन किसी महिला द्वारा दबाई जाती है तो महिला स्टाफ के साथ साथ पुरुष स्टाफ भी त्वरित मौजूद होते हैं। कलेक्टर ने महिला सुरक्षा उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप वुमेन वॉरियर नाम से भी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक हर महीने की जाएगी। साथ ही कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने कहा कि मॉक ड्रिल इसी तरह से किया गया है कि यदि कोई कमियां लग रही है तो उसे त्वरित ठीक कराया जा सके। हाँ, सौगात कह लीजिए या नेसेसिटी कह लीजिए, महिला सुरक्षा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार चिंता व्यक्त की है और उनकी चिंता पे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी भी करी थी और इसमें अपनी चिंता को जाहिर भी किया था। और उस समय ही एसपी साहब और मैंने दोनों ने मिलकर ये विचार किया कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जो प्रिवेंटिव नेचर का हो, ये ना हो कि घटना हो जाए फिर हम सीसीटीवी से खंगालें कि किसने क्या किया। इसलिए ये एक नई डिवाइस हमने कोशिश की कि पिंक सायरन या पिंक अलार्म हम डेवलप करें, जिसमें कोई भी आदमी अगर किसी पे बुरी नज़र रखता है या कुछ इस तरह के दुष्ट वो करना चाहता है इस तरह की कार्रवाई, तो वो तुरंत दूसरा व्यक्ति या वो महिला स्वयं उसको जो है मतलब उसके बटन को दबाए। और भी हमने देखा दबाने पे स्टाफ और ये सिक्योरिटी मिला के ही 100-125 लोग हो जाते हैं हॉस्पिटल कैंपस में जो तुरंत आए, और पुलिस भी तो यहाँ पे चौकी है तो पुलिस तो मुझे लगता है 30 सेकंड में पहुँच गई, और जो थाने प्रभारी थे वो भी 1 किलोमीटर दूर से आ गए अपने ही रहते रहते ही। तो इससे ये स्वयं दिख रहा है नगर पालिका की से वो भी आ गई जो फायर ब्रिगेड है, तो इससे ये निश्चित रूप से थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स अभी और होने हैं, कर रहे हैं हम, लेकिन ये डेफिनेट है कि दो एक घटनाएं हुई और इस तरह का उनको घेर के और पुलिस के हवाले किया गया तो ये मान के चलिए आगे से दुर्घटना इस तरह की करने वाला भूल जाएगा कि कैसे करनी।